ऐसी क्या बात है जो तुम मतलब इतना वेट करा रही हो मेरे को? एक वीडियो डिलीट कर दो उसका, तुम वीडियो में भी नहीं आओगी, नहीं आओगी वीडियो में, कभी नहीं मिलोगी मेरे से। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जिसको जाना है जाए, जिसको आना है आए। लड़के जनाब हमारे साथ ऐसे ही होता है। हेलो जी नमस्ते, वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग टू गाइस, कैसे हो? सारे अच्छे होंगे, फिट एंड फैल होंगे, मस्त होंगे। वेलकम टू द चैनल S3K व्लॉग। एंड गाइस मेरा नाम सिद्धू, एंड गाइस मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो भाई लोग, आप लोगों के इतने ज्यादा कमेंट आ रहे थे, सिद्धू भैया प्लीज जो जो पे व्लॉग करो, जो जो पे व्लॉग करो। तो गाइस फाइनली आज हमारे सामने खड़ी हमारी प्यारी जोजो। एंड गाइस आज का व्लॉग होने वाला है हमारे जोजो के ऊपर। सो भाई ये देख रहे हो आप लोग, आज काफी दिनों बाद मैं उसको बाहर निकाल रहा हूँ। अपनी जोजो है आजकल मेरे फैमिली वाले चला रहे हैं, तो मैं इसको ज्यादा चला नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ, मैं सिर्फ व्लॉग में नहीं चला रहा हूँ, बाकी टाइम में इसको ही चला रहा हूँ क्योंकि माइलेज बहुत कम है, तो मैं इसको ही चलाता हूँ। सिर्फ व्लॉगिंग के लिए मैं अपनी Z900 को निकालता हूँ। तो गाइस आज का सीन ऐसा है, वो मैं आपको मोटो व्लॉग को बताऊंगा। तो गाइस फिलहाल चेक कर लो अपनी इस ब्यूटी को। एंड गाइस बहुत जल्दी जो अभी रैपिंग देख रहे हो ना गाइस, इसके ऊपर ये चेंज होने वाली है एंड कुछ नया इसके ऊपर होने वाला है। गाइस बहुत टाइम हो गया जो जो को इस रैप में देखे हुए, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको पूरा टोटल चेंज करा दूं एंड एक सेपरेट व्लॉग बनाएंगे हम जो जो का मॉडिफिकेशन का तगड़ा वाला। तो गाइस अभी निकलता है जो जो लेके, एंड आज मैं और मैं अभी कहां जा रहा हूं, किस लिए जा रहा हूं, वो सब आपको मोटो व्लॉग में बताता हूं। गाइस देखो मेरा सबसे पहला काम है आज का, अपनी जो जो का टैंक फुल करवाना है। देखो फ्यूल टैंक बिल्कुल डेड कर रखा है घर वालों ने, मेरी जोजो की सर्विस भी आ चुकी है गाइस। इसकी जो है ना गाइस क्लच प्लेट भी खराब हो रखी है, तो मैं उसे क्लच प्लेट भी डलवानी है क्योंकि गियर जो है ना वो इतने हार्ड डल रहे हैं ना, बहुत गंदी तरीके से गियर डल रहे हैं इसके। एंड गाइस आज इतने दिनों बाद व्लॉग में आप लोगों को जोजो देख के कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बता देना। जब से अपने अगस्त भाई की डेथ हुई है तब से थोड़ा पुलिस जो है स्ट्रिक्ट हो गई है, अब चलान वलान नहीं कट रहे, सीधा गाड़ी सीज कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे को डर लग रहा है। इसलिए मैं अपनी Z900 को बाहर कम निकालता हूँ, सिर्फ व्लॉग वगैरह करता हूँ तभी उसे बाहर निकालता हूँ। इन अनदर टाइम मैं अपने जोजो को यूज करता हूँ इधर से उधर जाने के लिए, क्योंकि गाइस मैं नहीं चाहता कि अपनी Z900 अभी नई आई है और वो भाई सीज हो जाए। चलो गाइस अभी आपको आज का सीन बताता हूँ, आज का प्लान क्या है। गाइस आज का प्लान ये है, आज मुझे सिस्टर का फोन आया था, वो मुझसे बोल रही थी सिद्धू मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। हेलो, अब उसे क्या बात करनी है, उसने मुझे कॉल पे तो नहीं बताया था, उसने बोला था सीधा मिलने आओ, मिलने के बाद मैं आपको सब बताऊंगी, जो बात होगी उसके पास पहुंचने के बाद पता चलेगी। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए फ्यूल पंप पे। तो गाइस अभी जल्दी से अपनी जो जो का पेट फुल कर देते हैं, बिल्कुल देखो डंडी पूरी सूखी पड़ी है इसकी। सो भाई लोग मैंने जो जो 520 रुपए फ्यूल डलवा दिया है, तो हम निकलते हैं सिस्टी के पास और उसने मुझे क्यों बुला रखा उसे पूछते हैं। चलो गाइस अभी सिस्टी को फोन कर लेते हैं फटाफट से। सो गाइस मैंने कॉल लगा दी है, चेक करो। हाँ कहाँ हो? तो जल्दी आ जाओ फटाफट से। सो गाइज अभी सिस्टर आने वाली है, इधर ही मिलेगी मेरे को, उसका वेट करते हैं। एक तो उसका पता नहीं रहता, कभी इधर से आती है कभी उधर से आती है। ये देखो गाइज मैंने कहा था ना, ये कभी इधर से आती है। ये तुम एक रास्ता बना लो, तुम कभी इधर से आती हो तुम कभी इधर से आती हो, ऐसे क्या सीन है? तुम कभी इधर, मैं इधर देखता हूँ तो तुम इधर से निकलती हो, इधर देखता हूँ तो तुम इधर से निकलती हो। हाँ क्यों बुला रखा है मेरे को तुमने, क्या बात करनी है, क्या हो गया? चलो फिर आओ बैठो छाया में चलते हैं कहीं पे, तब बात करते हैं। और ठीक हो तुम? अरे हेल्थ तो मिलाओ, मस्त हो, ठीक है एकदम, तुम कैसे लग रही हो, क्यूट सी एकदम। हाँ अरे बहुत दिन से डिमांड कर रही है पब्लिक की, जोजो लेके आओ जोजो लेके आओ, तो मैंने कहा जोजो ही सही, मैंने कहा इसमें ऐ बस इसको अब चलाने की हो गई। बैठो फिर फटाफट से, लग गया हेलमेट, और तुम्हें हेलमेट लगाना आ गया? गाइस फाइनली इस लड़की को हेलमेट लगाना आ गया मेरे ख्याल से। तेरी गाइस देख रहे हो प्रोफाइल प्रो हो गई अभी हेलमेट पहनने में। चलो गाइस मैंने इस लड़की को कुछ तो सिखा दिया। क्या हुआ? बाइक चलाऊंगी भाई। अब तुम्हें बाइक चलानी है? ए यार तुम मुझे कभी बाइक चलाने दोगी ना? ये कितनी है यार, लो चला लो आराम से चलाना, ठीक है? गाइस देख रहे हो ये होता है जब आपके पास एक राइडर गर्ल हो ना। वो कहाँ हो तुम, ये चुईया मेरे पीछे घुस जाती है। चल लाओ फोन दो तुम। ये उठती नहीं है, उठाओ। अरे उठ तो गई, आहा टांगों में जान आ गई, क्या बात। कुछ खावा रहे हो क्या आजकल? हैं क्या? अरे अबे भैया मेरे को तो ले जाओ, अबे कैसे, अबे रुक जा, अबे यार ये इसकी बड़ी गंदी आदत है यार, मेरे को छोड़ के भाग जाती है। अब मैं तुम्हें बाइक नहीं दूंगा बता रहा हूँ। कस देख लो इसने फिर मुझे भगा दिया इसने, तुम्हारी भैंस किया, उतरो। तुम मुझे छोड़ के भाग जाती हो बार बार, क्या है क्या है क्या ड्रामा, तुम छोड़ के भाग जाती हो। तो आज तीसरी बार है गाइस, क्या ज़्यादा बोल रहा था मैं, मैंने क्या बोला? बैठो। मैं नहीं बैठ रहा, बैठ रहा बैठ रहा बैठ रहा बैठ रहा गाइस, मेरे को छोड़ के भाग जाएगी इससे पहले, बैठ जाओ। चलो चलो रेडी के साइड गो। गाइस देख रहे हो कितनी प्रॉपर चलाने सीख गई, एकदम प्रॉपर।
गाइस ये देखो बाइक चला रही है, अरे उड़ाओ मत। अरे भाई गाइस देख रहे हो इसे 50। गाइस देखो बाइक चलाने प्रो हो गई है, लेकिन मुझे स्टिल इसके साथ बैठने में डर लग रहा है गाइस देखो। ओ भाई हल्के चलाओ मैडम, मैं पीछे उड़ जाऊंगा। अच्छा गाइस सामने तो उधर ट्रैफिक है और ये लड़की लेट्स से निकाल पाएगी या फिर नहीं देखते हैं अभी। वैसे तो गाइस प्रोफेशनल हो गई चलाने में, अब कोई दिक्कत नहीं, मेरे को डर भी लगता है इसमें बैठने में। देखो एक्चुअली में जब सिखाने वाला ट्रेनर ऐसा होना तो फिर तो दिक्कत नहीं होती है, सही कह रहा हूं। अरे गाइस बेइज्जती कर रही है मेरी, देख रहे हो। सुबह लोग ये बस यहीं तक बाइक चलाती है सीधी सीधी, तो मोड़नी भी आती है नहीं आती है कद्दू आती तो मोड़नी ना ना यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दिखाऊ बल बैठो, चलो कुछ खाने चले पहले। ओके सो भाई लोग अभी हम लोग पहुँच गए पिज्जा बाइट पे। अरे भैया कैसे हो? हाँ यार थोड़ा मेरे घर रामनगर आया था ना मैं, तो चलो होके आते इधर भी। कैसे हो? बढ़िया। A few moments later. So guys, अभी हमने मस्त पिज्जा वगैरह खा लिया है, तो अब निकलते हैं यहाँ से किसी ठंडी जगह पर जहाँ हम लोग मस्त बात कर सके। चले बैठो। So guys, यहाँ पर ये जगह तो ठंडी है, यहीं पे रुक जाते हैं अभी। इसने मुझे क्यों ऐसे सेपरेट जगह बुलाया? ऐसी क्या बात है जो तुम मतलब इतना वेट करा रही हो मेरे को? क्या बात है ऐसी जो तुम इतना वेट करा रही हो मेरे को, पहले ये बताओ। क्या गुस्सा नहीं होना? गुस्सा मत होना, पहले बोलो गुस्सा नहीं हो गया। अरे मैं गुस्सा कहाँ होता हूँ, तुमने देखा मुझे अभी तक गुस्सा का? अभी अब तो मैं बता रही हूँ ना कुछ, उसके बाद बोलो गुस्सा मत होना। चलो नहीं हूँगा गुस्सा, बताओ क्या बात है यार। वो जो तुमने वाली वीडियो डाली थी रोज़ वाली, वो डिलीट कर दो। क्या ये बात है? अरे क्योंकि फिर देखो मेरी फैमिली वाले भी हैं, मम्मी ने भी देखी वीडियो तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा, मम्मी डांट रही है तब से, बहुत मतलब घर में वही हो रहा है। अरे तो मैंने उस वीडियो में साफ साफ बोला तो है, मैंने तो फ्रेंड के एक तौर पे तो रोज दिया था, वो तो एज अ यूजुअल। बट वही है ना कि हम लोग समझते घर वाले नहीं समझते, ऊपर से फिर बाहर वाले आके बोले तुम्हारी बेटी है क्या कुछ है, ये इसको यहाँ रख दो। हाँ बोलो तुम बोलो। फिर मतलब बाहर वाले भी आके बोल रहे हैं कि तुम्हारी बेटी है क्या कर रही है ये वो। अरे तो अरे हमने ऐसा करा क्या है, सिंपल तुम्हें मैंने घुमाया, हम घूमने गए, एक छोटा सा रोज दिया, वो तो अपनी बहन को भी देता हूँ मैं, तो वो क्या वो भी गलत है मेरे साथ? कोई बात नहीं, पर मतलब वही है ना कि मतलब शुरू से ही बोलने लग गए थे, बट तब तक तो नॉर्मल वीडियोस थी, मम्मी ने भी कुछ नहीं कहा, बट फिर जब वो हुआ तो मम्मी ने भी बहुत गुस्सा करा मेरे पे। तो क्या तुम क्या चार मैं वीडियो डिलीट कर दूं? यार ऐसा थोड़ी होता है यार। कैसे वीडियोस नहीं बनाने थे, फिर मैं वीडियो भी नहीं बना पाऊंगी। क्या 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 बोला तुमने? मम्मी यार तो कैसे वीडियोस भी नहीं बनाने, अच्छा नहीं लगता, लोग उल्टी बातें करते हैं। वो बात तो तुम्हारी ठीक है कि वीडियो एडिट कर दो, बट आगे वीडियो में नहीं आऊंगे क्या मतलब है? अरे फिर कमेंट्स देखे तुमने कैसे आ रहे हो, ऊपर से पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मुझे गोल्ड डिगर है, पैसा है, वैसा। मैं कहती तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हूं, गर्लफ्रेंड होती तो बोलते ना, इतनी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, फिर मम्मी को भी गंदा लग रहा है, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है पर्सनली, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे तो वो तो सब अपनी ऑडियंस है, उन्हें मैं समझा दूंगा, वो समझ जाएंगे, बट ऐसा थोड़ी होता है कि यार मेरे को डीएम से भी कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो ये है पता नहीं पैसों के लिए उसके पीछे पड़ी है, मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। यार मैंने ऐसे कब बोला? मैं तुम ऐसे तुमने कब बोला? ऐसे तो कुछ बात भी नहीं हुई है। तो फिर नहीं बोला, फिर मैंने कहा चल छोड़ इग्नोर, फिर मम्मी ने भी पढ़े इतने वो, फिर मम्मी भी कह रही है ऐसा ऐसा तेरे उल्टा सीधा बोल रहे, तेरे को गालियां दे रहे हैं। यार देखो पता एक वीडियो बनाने पता हमारा बहुत मेहनत लगती है, ठीक है शूट और यार तो देखो वीडियोस भी मना नहीं कर रही हो वो ठीक है, बट देखो बात तो मानो, मतलब समझ रहे हो, एक हमारी वही मेहनत है पता पूरे दिन की जो तुम डिलीट करने के लिए कह रही हो, फिर वही हो रहा है ना यार। नहीं हो पाएगा सिस्टर प्लीज, और तुम आज के वीडियो में नहीं आओगी? मम्मी मना कर रही है क्योंकि मम्मी कह रही है लोग ऐसा ऐसा बोल रहे तेल रहे, और फिर कमेंट्स में भी ऐसा आ रहा है, फिर रिश्तेदार भी पढ़ते हैं, बाहर के लोग भी पढ़ते हैं, घर में आगे बोल रहे कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, कमेंट्स पढ़ रहे हो तुम, कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे हैं लोग तुम्हारी बेटी के ऊपर। तो तुम मतलब ये डिसीजन फाइनल है, नहीं आओगी वीडियो में? यार सिस्टी प्लीज़ एक बार और सोच लो, देखो हम अब इतने टाइम बाद तो मुझे कोई अच्छी फ्रेंड मिली है और तुम ऐसे छोड़ के जा रहे हो बीच रास्ते में, मेरे को सब पता है, इतना प्रॉब्लम हो गई, फिर लोग मुझे उल्टा क्यों बोल रहे हैं? ठीक है मेरा वादा, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुमसे, कोई कुछ नहीं कहेगा ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मम्मी ने मना करा यार, मैं क्या कर सकती हूं, मेरे को घर में रहना। अच्छा मैं आंटी से बात कर लूंगा ना, बोलूंगा आंटी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम फ्रेंड्स हैं सिर्फ, और आप भी आपको अगर गलत लगता हूं मैं तो वो कोई बात नहीं, लेकिन फिर यार देखो सोचो ना ये बात, अब साथ में वीडियो वगैरह बनाते इतना एंजॉय कर रहे हैं, मैंने तुम्हें मुझे देख के कभी ऐसा लगा कि मेरे कोई गलत इंटेंशन है तुम्हारे लिए? नहीं लगा, मुझे भी नहीं लगा, मेरी मम्मी को भी ऐसा कुछ नहीं लगा, बट फिर जो कमेंट्स थे बाहर के लोग आगे उल्टा सीधा बोल के जा रहे हैं उसमें लगता है ना बुरा, अब आप तो समझ सकते हो घर वाले तो नहीं चाहेंगे ना ऐसा कुछ बोले, तो तुम फिर वो वीडियो भी डिलीट कर दो अभी। यार प्लीज सिस्टर समझा करो, नहीं कर पाऊंगा मैं। मम्मी ने बोला था कि उसको कहना कि वो वाली वीडियो डिलीट कर। यार
तुम ऐसा मत करो यार प्लीज। एक ही वीडियो और कोई वीडियो नहीं, बस उस बस सिर्फ वही वाली। क्यों कर दो डिलीट, मैं नहीं कर रहा प्लीज यार, समझो बात को। तुम भी तो समझो ना यार, ये क्या बात हुई सृष्टि, तुम पता क्या बोल रही हो इस वक्त, पता तुम्हें, तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। मुझे नहीं पता यार, तुम्हें नहीं पता ना, घर में तो मेरे हो रहा है, फिर खाली फिर घर वाले भी ऐसा गुस्सा कर रहे थे उसी दिन जिस दिन वीडियो, उस दिन से मैं रोज सुन ही रही हूं, तो मेरे को लगा कि तुमसे बात करनी चाहिए एक बार। सृष्टि मैं वीडियो डिलीट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, बस एक नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी प्लीज समझो। होती तो मैं हो, देखो पहले मैं इतनी सारी वीडियो शूट कर रही है करने को, मैं वो भी कर देता और नहीं करनी, बस उसी को कर दे। अरे नहीं हो पाएगी बाबा, नहीं हो पाएगी, हो नहीं होती तो मैं कर देता। एक वीडियो डिलीट कर दो उसका, तुम वीडियो में भी नहीं आओगी। अरे यार ये क्या बात हुई, मम्मी ने मना करा, मम्मी का गेम था। तुम्हारा डिसीजन फाइनल है फिर ये? हाँ। नहीं आओगी वीडियो में, कभी नहीं मिलोगी मेरे से, कभी अपने फेस नहीं दिखाओगी मेरे को, वीडियो डिलीट कर दूं, हम अब कभी नहीं मिलेंगे, तुम्हें घर छोड़ दूं फिर। चलो बैठो, छोड़ देता हूँ, कर दूंगा वीडियो डिलीट, लो हेलमेट पहन लो, घर चल रहे। क्या यार सारी मेहनत खराब ना, कर दूंगा तुम्हारी सारी वीडियो डिलीट कर दूंगा, सारी कर दूंगा एक भी ना, सारी कर दूंगा सारी। अरे नहीं। जितनी शूट करी ना, क्यों हो रहे हो? नहीं सारी कर दूंगा कोई बात नहीं। आपको भी तो आप थोड़ा समझ सकते हो ना यार। नहीं समझ रहा हूँ मैं, तभी तो बोल रहा हूँ मैं सारी कर दूंगा। सारी क्यों थोड़ी ना कह रही हूँ, तो बैठो सारी कर दूंगा। A few moments later. So भाई लोग वापस आ गया हूँ और इसको ड्रॉप कर देता हूँ, फिर मैं घर निकलता हूँ। चलो ठीक है फिर बाय, एक बार और सोच लेते, मैं बोल रहा था अगर एक बार और सोच लेते, नहीं हो पाएगा, डिलीट कर दो वीडियो सारी। ठीक है ठीक है बाय, अपना ध्यान रखना, आप नहीं मिलेंगे ना हम, ठीक है बाय। वो जा रही है, खैर क्या कर सकते हैं, जिसको जाना है वो जाए भाई, हमें क्या मतलब, उसे नहीं आना व्लॉग में अब तो, मैं ज़बरदस्ती भी तो नहीं कर सकता, जितना मेरे से हुआ मैंने बोल दिया बाय। सो गाइस अब मैं घर निकल रहा हूँ, अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, जिसको जाना है जाए, जिसको आना है आए, किसी के लिए भाई मना नहीं है और जाने के लिए मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, हम लड़के जनाब हमारे साथ ऐसे ही होता है। अब शायद क्या, मेरे ख्याल से तो कोई और रीज़न हो सकता है वीडियो में ना आने का, बट वो रीज़न तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैंने तो ऐसा फ्रेंड भाई रोज़ दिया था। खैर छोड़ो सब बातें, अब उसको नहीं आना तो नहीं आना, इस ब्लॉग को गाइस यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपका आपका मन करे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। खैर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ्रॉम S3K व्लॉग।